सब्सक्राइब कीजिए एसके टेक्निकल चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज हिंदी में देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उसीवम लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। स्वागत है मेरे टेक न्यूज के दूसरे एपिसोड में दोस्तों। या टेक न्यूज का दूसरा एपिसोड है, आप देख रहे हैं दोस्तों एसके टेक्निकल चैनल। तो दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस पे डेली टेक न्यूज वीडियोज लाता रहता हूँ दोस्तों। आप अगर चाहते हैं टेक न्यूज वीडियो देखने के लिए तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले अपडेट की, तो यहाँ पे निकल के आता है रेडमी गो की तरफ से। अगर दोस्तों आप एक रेडमी गो मतलब आप 5000 से नीचे का मोबाइल परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप रेडमी गो को परचेज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ अच्छी खासी फीचर्स दिया गया है। 5000 से नीचे का स्मार्टफोन है जो कि आज लॉन्च कर दिया गया है दोस्तों। इंडिया में पहले से ही लॉन्च है लेकिन आज इसकी पहली सेल है। तो दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, तो यहाँ पे निकल के आता है नोकिया 9 की तरफ से। तो दोस्तों नोकिया 9 में आपको सबसे पहले बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिलेगा 5.9 इंच का HD+ डिस्प्ले। दोस्तों बात करते हैं प्रोसेसर की, तो ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 845 का यहाँ पे आपको चिपसेट प्रोसेसर देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे 20 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। और दोस्तों बात करते हैं रैम की, तो यहाँ पे 6 GB रैम। और बात करते हैं रियल कैमरा की, तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे बैक कैमराज हैं सब 12 12 मेगापिक्सल का है। दोस्तों इसके बारे में आप पहले से भी जानते होंगे कि नोकिया कुछ अलग इस समय करने वाला है, जो कि इसमें अच्छा खासा कैमरा, ज़्यादा से ज़्यादा कैमरा आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो बैक में सारे रियल कैमराज हैं वो होंगे 12 12 मेगापिक्सल का। बात करते हैं अगले अपडेट की, तो यहाँ निकल के आता है मोटरोला G7 की तरफ से। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इसकी फीचर्स की, तो यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगा डिस्प्ले 6.20 इंच का HD+ डिस्प्ले। दोस्तों बात करते हैं इसकी कैमराज की, तो यहाँ पे आपको दोस्तों फ्रंट कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल का। दोस्तों बात करते हैं रियल कैमरा, तो यहाँ पे 12 5 मेगापिक्सल का रियल कैमरा। दोस्तों बात करते हैं इसकी प्रोसेसर की, तो यहाँ पर भी आपको ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 632 का प्रोसेसर दिया गया है दोस्तों, जो कि अच्छा है। दोस्तों बात करते हैं इसकी रैम की, तो यहाँ पे 4 GB और रोम 64 GB रोम है। दोस्तों बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो यहाँ पे दोस्तों 3000 mAh की बजट फोन को टक्कर देने के लिए मोटरोला G7 लॉन्च कर रहा है दोस्तों, जो कि शायद 20,000 के आसपास लॉन्च करेगा। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, तो यहाँ पे निकल के आता है वीवो X27 और वीवो X27 Pro की तरफ से। दोस्तों यह दोनों फ़ोन ब्राज़ील में लॉन्च जल्द ही लॉन्च कर दिया गया है दोस्तों। अब भारत में देखते हैं कब तक आता है, तो दोस्तों मैंने सोचा आपको बता दूं। तो दोस्तों इसकी भी कुछ अलग फीचर्स अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, तो यहाँ पर निकल के आता है दोस्तों सैमसंग गलेक्सी M40 की तरफ से। तो दोस्तों आपने जैसा कि देखा है सैमसंग गलेक्सी M10, M20, M13 जो कि जल्द ही लॉन्च हुए कुछ एक आध महीने पहले। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी भी फीचर्स की, तो यहाँ पे मैं फीचर्स नहीं बताऊंगा क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ा तो दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, तो यहाँ पे निकल के आता है Honor 10i की तरफ से। दोस्तों Honor 10i लाइट जो कि 11 10 मंथ पहले ही लॉन्च कर दिया गया था दोस्तों, उसी का भाई है। दोस्तों बात करते हैं इसकी फीचर्स की, तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिया गया है प्रोसेसर स्मार्टफोन हाई सिलिकॉन का, यहाँ पे आपको 710 का चिपसेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं इसकी रैम और रोम की, तो यहाँ पे दोस्तों दिया गया है 4 GB रैम 128 GB रोम। दोस्तों बात करते हैं इसकी कैमरा की, तो यहाँ पे दोस्तों फ्रंट कैमरा है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जो कि अच्छा खासा इसमें कैमरा आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करते हैं इसकी iOS के, तो यहाँ पे एंड्रॉयड 5 पे भी काम करेगा। दोस्तों बात करते हैं इसकी स्टोरेज की, तो पहले बताया। दोस्तों बात करते हैं रियल कैमरा की, तो यहाँ पे 3 रियल कैमरा आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि होगा पहला 24 मेगापिक्सल का, उसके बाद होगा दोस्तों 8 मेगापिक्सल का, उसके बाद दोस्तों 2 मेगापिक्सल का। दोस्तों बात करते हैं बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 3400 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, तो यहाँ पे निकल के आता है जोमैटो की तरफ से। तो दोस्तों जोमैटो ने 10 शहरों में जोमैटो फूड
पैकेज का मतलब पैकेजिंग अब चालू कर दिया है दोस्तों। अभी 10 ही शहरों में हुआ है, तो जल्दी आप कमेंट में बताइए कि आपके शहर में हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा।